हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल टूर ब्लॉग। तो आज हम आपको लेकर जा रहे हैं नियो हॉस्पिटल, जो कि सेक्टर 50 नोएडा में है। तो आपको हॉस्पिटल के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं तो और हॉस्पिटल का पूरा टूर कराते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। मैं डॉक्टर गुलाब गुप्ता, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ न्यू हॉस्पिटल। वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट अराउंड 12 इयर्स बैक, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग आर इट फुली फंक्शनल इन दिसंबर 2014। तब से हम लोग लगातार मरीजों की सेवा कर रहे हैं और नई नई विशेषताएं हॉस्पिटल में जोड़ते जा रहे हैं, जैसे एंजियोग्राफी करना, एंजियोप्लास्टी करना, एमआरआई करना, सीटी करना। एमआरआई के साथ साथ हम लोग एमआर एंजियोग्राम करते हैं, या ब्रेन में क्लॉट आ गया तो कुछ के लिए ब्रेन में भी स्टेंट डालते हैं। हार्ट के अलावा हम लोग और सब सुविधाओं में भी काम कर रहे हैं, जैसे बीएमडी, चेस्ट इन्फेक्शन, अस्थमा, और चेस्ट के साथ चेस्ट की फिजियोथेरेपी करना, चेस्ट रिहैबिलिटेशन करना, ये काम भी हमारे यहाँ साथ साथ चल रहे हैं। हम लोग बहुत सारी सुविधाएं सर्जिकल प्लांट में भी दे रहे हैं, उनमें से एक बैरियाट्रिक सर्जरी भी है, जिससे वजन कम हो जाता है। और वो सुविधा उन लोगों के लिए जिनका वजन 100 से ज्यादा, 120 से ज्यादा है, जिनका बीएमआई मोर देन 40 है, जिनका ये पक्का हो जाता है कि वो अपने प्रयास से अब वजन कम नहीं कर पाएंगे। इस तरह की सर्जरी हम एक तो वजन कम करने के लिए करते हैं, एक हम जोड़ों के दर्द और गठिया, जो घुटने का दर्द है, उसको कम करने के लिए करते हैं, और दूसरा डायबिटीज को क्योर करने के लिए भी। कुछ मरीजों को डायबिटीज, इस तरह का मोटापा कम करने से डायबिटीज ठीक हो जाती है या इंसुलिन बंद हो जाती है, पर ऐसे मरीज बहुत कम ही होते हैं। जिनका वेट ज्यादा होता है उनकी डायबिटीज ठीक हो सकती है पूरी तरह से। तो ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ही एडवांस फॉर्म में सब तरह की थेरेपी कर रहा है, चाहे वो एपिलेप्सी के लिए हो, चाहे पार्किंसंस डिजीज के लिए हो। और मैं एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ सब तरह की सुविधाएं डायबिटीज से संबंधित, बैटरी काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के बारे में, और डायबिटीज में जिनमें फ्रोजन शोल्डर वगैरह होता है उसके लिए भी हम लोग फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक करते हैं। डायबिटीज में दवाओं से लेके इंसुलिन लगाना और इंसुलिन बच्चों को भी लगाना, टाइप 1 डायबिटीज वगैरह के लिए हमारे पास इंसुलिन थेरेपी, और इंसुलिन थेरेपी के साथ साथ उसमें उसके साइड इफेक्ट, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे रखना है, कैसे लेके जाना है इंसुलिन, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास डायलिसिस की भी सुविधाएं हैं, हमारा नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट वेल इक्विप्ड है। हम लोग महीने में करीब 300 डायलिसिस कर रहे हैं, जो लोग परमानेंट मेंटेनेंस डायलिसिस में हैं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर संदीप गुलाटी है, मैं डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ। जब से न्यू हॉस्पिटल शुरू हुआ है तब से मैं न्यू हॉस्पिटल के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट सारे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे अपर जीआई एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, साइड व्यूइंग एंडोस्कोपी,
ERCP, ये हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी टीम के सदस्य हैं। सुनैना सिस्टर और नवीन, सुनैना सिस्टर NCR के सबसे सीनियर मोस्ट एंडोस्कोपिक टेक्नीशियंस में से एक हैं। तो दोस्तों, आ चुके हैं लेबोरेटरी एरिया में। आपको सभी तरीके के लैब टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको कोई भी टेस्ट कराना है लैब में, वो सब यहाँ पर नियो हॉस्पिटल में अवेलेबल है। चलिए आपको पूरा लैब का टूर कराते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा, इंचार्ज ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट नियो हॉस्पिटल। हम लोग अपने डिपार्टमेंट में लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ उपचार की सुविधाएं, फिजियोथेरेपी उपचार की सुविधाएं पेशेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट में हमारे पास अल्ट्रासोनिक, IFT, टेंस, क्लास 4 लेजर, ट्रैक्शन, शोल्डर पुली, शोल्डर व्हील, लैडर्स और न्यूरो रिहैब की सुविधा भी है। हम न्यूरो रिहैब में पैरालिसिस पेशेंट्स को उनके जब स्ट्रोक, आफ्टर स्ट्रोक फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, चाहे IPD हो, OPD हो, उस बेस पे हम उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं और उसको अप टू नॉर्मल लाइफ जीने में उसकी मदद करते हैं।
नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कपूर हूँ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, MS ENT। मैंने अपना MS 1991 में किया था। अब लगभग 30-32 साल का एक मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैंने सऊदी अरेबिया में भी कुछ साल काम किया और पिछले 5-6 साल से मैं नियो हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ। और जब जुड़ा था तो नियो में आया था, अब नियो हमारे में बस गया है, तो हमारे रग रग में अब नियो बसा हुआ है। नमस्कार सर, मेरे को ना गले में दिक्कत रहती है, जब मैं बात करता हूँ तो मुझे गले में खांसी आने लगती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है यहाँ पे, तो मुझे क्या परेशानी है? ज्यादा बोलने का काम तो नहीं है आपका? ज्यादा बोलने का काम रहता है सर। ओके, स्मोक तो नहीं करते हैं? नहीं, स्मोक नहीं। अल्कोहल? कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा ठंडा लेते हो? सर पहले लेता था, आप बंद कर दिया है जब से दिक्कत होने लगी। ओके, मैं आपका गला एक बार देख लेता हूँ और थोड़ा आगे आ जाएंगे। मुंह खोलिए, आप बोलिए। ठीक है, एक्चुअली आप जो ज्यादा बोलते हैं उससे आपकी आवाज में फर्क आता है और ज्यादा ठंडा अगर लेंगे तो गला खराब हो जाएगा। एक नॉर्मल चीज है कोई भी अगर, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप गर्मी से बाहर से आते हैं और फ्रिज खोल के पानी पी लिया तो आपका फौरन गला खराब हो जाएगा। आप घर में आते हैं, 5 मिनट वेट कीजिए, फिर आप फ्रिज का पानी पियेंगे तो आपका गला खराब नहीं होगा। और थोड़ा बोलिए कम, और जब आवाज में फर्क हो तो आपको गरारे नहीं करने चाहिए। ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब आवाज बैठती है तो ये सोच कर कि गरारे से आराम मिलेगा, वो गरारे करने लगते हैं। जब आवाज बैठी हो या आवाज खराब हो तो गरारे नहीं किए जाते हैं, भाप ली जाती है। वॉइस रेस्ट और भाप सबसे बेहतरीन इलाज है। Hi everyone, I am Dr. Sagar Tomar, Head of Department Radiology. I have been working here in New Hospital since past 4 years. We have a very passionate, dedicated and efficient team and we are providing world-class state-of-art radiology services including MRI, CT, angiography. I welcome you all to New Hospital. मेरा नाम किरण पटवाल है, मैं यहाँ डॉक्टर आफरीन को दिखा रही थी गायनिक में, और मेरे पेडिशियन है सागरदीप सर, उन्होंने मेरी डिलीवरी अभी 2 दिसंबर को करी थी 11:30 बजे, और मेरी 8 मंथ की बेबी हुई है, बेबी गर्ल, और ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं इसीलिए यहाँ आई थी। और मैं किसी के कहने पर नहीं आई थी, मैं गूगल से सर्च करके वैसे रिव्यूज़ देख के तब आई थी। थैंक यू सो मच। गुडी उठ बेटी, आओ बेटी।
नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं नियो हॉस्पिटल के आईसीयू में। नियो हॉस्पिटल में आपको दो आईसीयूज मिलेंगे अलग अलग फ्लोर्स पे, जो कि इनकी न्यू बिल्डिंग में है। आईसीयू फुल्ली इक्विप्ड है और वेल ट्रेंड स्टाफ आपको आईसीयू में मिलेगा। तो दोस्तों, आ चुके हैं न्यू हॉस्पिटल के डीलक्स रूम में। न्यू हॉस्पिटल में आपको जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड, डीलक्स रूम, स्वीट रूम सभी मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना रूम बुक करा सकते हैं और यहाँ पे सभी सर्विसेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो बताना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।